ऐसे कौन से मैटर है जिसमें थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं, ऐसे कौन से केसेस है? सीधा मैरिज सबसे पहले, फर्स्ट बेनिफिशियरी, सेकंड फैमिली सेटलमेंट, थर्ड मैरिज, फोर्थ असाइनमेंट, फिफ्थ इस्टॉपल, सिक्स्थ एजेंट, सेवन बस। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है? टू डी कंसिडरेशन डी, ठीक है। इस्टॉपल मतलब स्टॉप, मतलब स्टॉपल मतलब वंस यू एक्सेप्टेड लेटर यू कैन नॉट डिनाई, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हाँ मतलब थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अपन ने पढ़ा तो कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट, अपन ने पढ़ा था विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज अ विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड या वॉइड? तो बोलना, मैं बोलने की बोलना चाहिए ऐसा है क्या? चलो अरे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? मुझे हाथ में भी पता चल गया। चलो हाँ, अब देखो सेक्शन 25 कहता है द जनरल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। 25 रुपए तो चाहिए मेरे को एटलीस्ट। सेक्शन याद रखना कौन सा सेक्शन है? 25, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट इज वॉइड, सेक्शन 25। बट उन्होंने क्या बोला है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। Following cases, the agreement made without consideration will be valid and enforceable. मैंने आपको एक चीज बताई थी, consideration पैसा क्या होना चाहिए? Without पैसा भी चलेगा, not necessary monetary term में होना चाहिए, पक्का? अब सबसे पहले first exception क्या है? फर्स्ट क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 25(1). अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान दो मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गया कि नहीं ये कल का? अभी तक इधर ही बैठे ही लोग। व्हाट टाइम वाज स्ट्रोक। चलो अब देखते हैं अपन कल एग्जांपल नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है, वो आपको पता है स्टी? अब देखो अपना फेवरेट एग्जाम्पल ये कौन है? मैं। ये कौन है? वाइफ मेरी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को महीने में आते 50,000 रुपीज, कितना आता है? 50,000 समझो, 50,000 रुपीज आते हैं मेरे को। मेरे वाइफ से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, मतलब मैं आप कांट डिफाइन इन वर्ड, मतलब इतना प्यार मैं आपको बता ही नहीं सकता, इतना है। अब उसने बोला, मैंने पैर के खाते उसको क्या बोला कि मैं तेरे को पर मंथ 20,000 दूंगा, चल 25,000 ले, हाफ तेरा, जिंदगी आधी तेरी है वैसी, तो ठीक है मैं तेरे को कितना दे रहा हूँ? मेरा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, तू कितनी? 25,000 दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में मैंने उसको उसका एक्सेप्टेंस मांगा क्या? मैंने वॉलंटरी क्या दिया उसको? ऑफर दिया, उसका एक्सेप्टेंस मैंने मांगा? यहाँ पे उसको कुछ कंसिडरेशन है? मैंने बोला क्या कि तू मुझे अगर कुछ खाना देगी तभी मैं 25,000 दूंगा? ऐसा कुछ मैंने उसका कंसिडरेशन मांगा क्या? कंसिडरेशन मतलब कुछ करना, कंसिडर करना कि हाँ मैं तेरे लिए करता हूँ फिर मुझे पैसे दे, बट यहाँ पे वैसा कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो ये केस चलेगा? चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, मेरा प्यार है, लव एंड अफेक्शन चलता है, चलता है, वो तो खुश हो जाएगी, वाह वाह वाह, वो बोलेगी मुझे 50 भी दे, अपन क्या खाएंगे। चलो अब उसके कुछ कंडीशंस है, क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, नेचुरल मतलब नेचुरल आर्टिफिशियल, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? रिलेशनशिप होनी चाहिए, और राइटिंग होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। कल अगर पलट जाऊंगा मैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? राइटिंग ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। राइटिंग एंड रजिस्टर में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है राइटिंग एंड रजिस्टर में? रजिस्टर भी राइटिंग है। मैं ये कह सकता हूं क्या
एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड बट ऑल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आर रिटन. कैसे? यस. मुझे एक बात बताओ, जितने भी अपन रिटर्न डॉक्यूमेंट करते हो, नॉट नेसेसरी हर डॉक्यूमेंट अपन कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं. मतलब वहां पे हाँ कुछ डॉक्यूमेंट इलीगल भी हो सकते, कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ही रख सकते अपने पर्पस के लिए, बट रजिस्टर करना मतलब कोर्ट के जाके स्टैम्प भी लगाना उसको, वो रजिस्टर कर दिया. तो एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, बट एवरी रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. तो लिख लो वहां पे, ये नहीं आपके सिलेबस में नहीं है बट मैंने बोल दिया तो लिख लो. ऑनलाइन वाले भी लिख लो. क्या बोला था? एवरी रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. एवरी रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. बट एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. इक्की बात लिखना है, हो गया ना? चलो अब नेक्स्ट क्या लिखा है. A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation. Standing in near. Standing मतलब अपन ने कहीं तो भी पढ़ा था क्या? Standing offer, continuing offer. मेरा डाइवोर्स हो चुका है. हुआ नहीं, मतलब शादी नहीं हुई, डाइवोर्स हो चुका है, तो ये स्टैंडिंग रिलेशनशिप है क्या? तो वो क्या होना चाहिए आपकी रिलेशनशिप? स्टैंडिंग होनी चाहिए. स्टैंडिंग मतलब स्टिल कंटिन्यू होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए. हस्बैंड देखो एग्जांपल दिया, हस्बैंड एंड वाइफ टू ईच अदर इज एनफोर्सेबल इवन विदाउट कंसल्टेशन. चलो ये दोनों एग्जांपल हुई. फर्स्ट अपना हुआ कौन सा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन. सेकंड कौन सा है? कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज. अभी तो देख लो ये क्या है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या है. अब एग्जांपल देखो, मैं रस्ते से जा रहा था, मैं रस्ते से जा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था बट जा रहा था रस्ते से. अब मेरे को चलते चलते यहाँ पे एक ना पर्स मिल जाता है किसी लड़की. क्या मिल जाता है? पर्स मिल जाता है लड़की का, उसमें 1,00,000 रुपए. मेरे को पता चलता हूँ, ओ माय गॉड 1,00,000 रुपए क्या करूँ मैं. तो मैं जाता हूँ भागते भागते उसके पास, वो वहां पे बैठी रहती है बेचारी, परेशान होती है कि मेरा पर्स कब आएगा, कब मुझे देगा, कोई आएगा मेरा सपनों का दीवाना जो मुझे लेके आएगा, सॉरी मेरा पर्स लेके आएगा. वो बैठी थी वहां पे, मैं गया भागते भागते उसको पर्स दे दिया. सर फूल दिख रहा. अच्छा फूल दिख रहा. अबे फीलिंग पे फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो, डायग्राम पे मत जाओ, उसमें कंसेप्ट क्या वो इम्पोर्टेंट है. मैं गया उसके पास भागते भागते, बोला कि मैं ये तेरा पर्स, ठीक है मैंने पर्स दे दिया. मैं घर आ गया वापस, वो भी घर गए उसके, उसको रियलाइज हुआ है यार उसने तो अपने को तो पर्स दिया ना यार, 1,00,000 रुपए थे उसमें, उसने वापस क्या दिए. उसने मुझे फोन किया, बोले हे अक्षय. मैंने बोला बोलो. उसने बोला कि मैं तुझे 20,000 रुपीज देना चाहती हूँ. मैंने बोला वाह दे दो मैडम, कोई दिक्कत नहीं है. उसने मुझे ऑफर दे दिया 20,000 का, मैंने एक्सेप्ट कर दिया. बट मैंने जो कंसिडरेशन किया था, मैंने जो एक्ट किया था, वो कब किया था? मैंने पास्ट में किया था. और वो वॉलंटरी था कि किसी ने बोला जा उसको जाके दे, मैंने वॉलंटरी किया कि मैंने जाके उसको दे दिया. तो जो पास्ट की वॉलंटरी सर्विसेज होती है, अगर उसका विदाउट कंसिडरेशन आप करते हो, स्टिल इट इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ये विदाउट कंसिडरेशन है, ये पास्ट में हो चुका था. ऐसे एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में आपको कि रस्ते पे कुछ पड़ा था, उसने दे दिया वापस, उसने बोला कि ये ले भाई मेरे से 50,000 रुपए, तूने मेरे को जो गिफ्ट दिया था वापस, मतलब जो रस्ते पे पड़ा था तुमने दे दिया, ये 50,000 रख ले. ये आपने पास्ट वॉलंटरी किया था, पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ था तो उसकी वॉलंटरी आपने पे किया था, इतना अमाउंट कोई नहीं पे करता. चलो यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी सर्विस बी बाइंडिंग द फॉलोइंग एसेंशियल फैक्टर मस्ट एग्जिस्ट. क्या होना चाहिए सबसे पहले देखो, सर्विस कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी. ध्यान रखना कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री. तो ये भी कैसे होना चाहिए? वॉलंटरी आना चाहिए, खुद से होना चाहिए. और किसने देना चाहिए? द सर्विस मस्ट बी रेंडर फॉर द प्रोमिसर. प्रोमिसर को दी सर्विस, बट किसने दी होगी? फिर प्रोमिसर. प्रोमिसर मस्ट बी एग्जिस्टेंस एट टाइम व्हेन सर्विस वाज रेंडर. जो क्लेम करता है ना प्रोमिसर मस्ट बी एग्जिस्टेंस होना चाहिए उस टाइम पे. कब? When the service were rendered,
मतलब मैं पर्स देने गया तो देखा उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मैं एक लाख रुपए घूम गया, अब मैं क्या घर पे मुंह दिखाऊंगी, उसने आत्महत्या कर ली, अब मैं पैसा दूंगा तो किसको दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं एनफोर्स कर सकता हूँ क्या? एनफोर्स करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे तो पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे कंडीशन क्या बोलता, पार्टी उस टाइम पे क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। द प्रोमिसर मस्ट हैव टू इंटेंड टू कंपेंसेट द प्रोमिसिंग, किसकी इच्छा होनी चाहिए प्रोमिसर की, आप खुद नहीं बोलोगे मैं एक लाख का देगा मुझे 20,000 दिया ईमानदारी से, वैसे नहीं होगा, वैसा होगा तो पैसा देगा ही नहीं पहली बात तो। तो ये क्या होना चाहिए, किसकी इच्छा होनी चाहिए, प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, ना कि प्रोमिसी की इच्छा होनी चाहिए। ये सेम एग्जाम्पल है, ये कोर्ट वाला एग्जाम्पल है, मैंने मेरे दोस्त को हेल्प की थी कोर्ट में डाइवोर्स देने के लिए, उसका वाइफ का दोनों का झगड़ा चल रहा था, बहुत गंदा झगड़ा चल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने दोनों का डाइवोर्स कर दिया, तुम्हारी जिंदगी जियो, तुम्हारी जिंदगी जियो। उसने मेरे आगे पैर पड़े, यार थैंक यू सो मच यार तूने मेरा जो काम किया, मेरे को जो वाइफ से तुमने छुटकारा दिया, सच में मेरे को दूसरी शादी करनी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उसको हेल्प की थी, उसका मैंने डाइवोर्स करके दिया पहले दिन, दूसरे दिन मेरे पास आता है 20,000 सर्विस मैंने कब दी थी पास्ट में, अब वैलेंटरी दी थी, मैंने नहीं बोला था कि कुछ मेरे को आप पास आया था कि मुझे सर्विस दे, नहीं वो तो आपका फिर वैलिड हो जाएगा, उसमें तो आपको कंसिडरेशन मिलेगा, बट यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं था, मैंने वैलेंटरी सर्विस उसको दी थी। नेक्स्ट क्या है, एजेंसी। एजेंसी पता कैसी होती है, आपने कभी सुना एजेंसी ली, मैंने इसकी मैंने उसकी एजेंसी ली, कभी नाम तो सुना होगा ऐसा, कभी नहीं सुना आपने आज तक, पतंजलि की एजेंसी ली मैंने, कोको कोला की, अमूल की एजेंसी ली। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, अब आपने अमूल की एजेंसी ली, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी किसकी किसकी ली मैंने, अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल की एजेंसी। अब अमूल ने मेरा यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, पुणे में। अब अमूल मुझे देता है बटर मिल्क, क्या देता है, बटर मिल्क, बटर मिल्क पता ना, छाछ मराठी में ताक। अब ये अमूल मुझे देता है बटर मिल्क, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एजेंसी में एंटर कर दिया, अब जब बारिश का सीजन आता है, बारिश क्या आता है, सीजन आता है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे यहाँ पे सेल नहीं होगा तो मेरी एजेंसी खत्म हो जाएगी क्या इमीडिएटली, नहीं, स्टिल एग्जिस्ट करती, तो विदाउट कंसिडरेशन माई एजेंसी एग्जिस्ट, तो अपन क्या एजेंसी इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि एजेंसी में क्या चाहिए आपको, कंसिडरेशन, नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन चाहिए, चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन भी आपकी एजेंसी क्या हो सकती है, एग्जिस्ट हो सकती है। एग्जाम में इसको क्वेश्चन आता है, मतलब ये पूरे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड मतलब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, कंप्लीटेड मतलब रजिस्टर्ड, लिखा हुआ, कंप्लीटेड का मीनिंग है रजिस्टर्ड, लिखो ऑनलाइन बोलो, कंप्लीटेड का मीनिंग है रजिस्टर्ड। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, यही है वो आदमी, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये कौन है मेरे, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये मेरे ग्रैंडफादर है। अब इनके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ध्यान रखना, गिफ्ट में दो पार्टी होती है, जो देता है खुद से उसे डोनर कहते हैं, डोनर, जिसको देते है, कभी भी ध्यान रखना, जिसको जाता है उसको ई लगता है, और जिसको मिलता है उसे डोनी कहते हैं। अब ये डोनर है मेरे ग्रैंडफादर, उसने बोला कि यार मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ तुझे, क्योंकि मेरा अभी जिंदगी खत्म होने वाली है, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं रजा करना चाहता हूँ इस दुनिया से, मैंने बोला ठीक है चले जाओ, ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है, तो उसने मेरे को प्रॉपर्टी दी, कितनी, 25 करोड़ की मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में मैं उनके पास गया था या उन्होंने मुझे कुछ ऑफर दिया, नहीं दिया, ये विदाउट कंसिडरेशन है, ये वैलेंटरी सर्विस है, तो गिफ्ट भी क्या हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन चल सकता है, आप एंटर कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हो, ये विदाउट कंसिडरेशन है। आपने कुछ एक्ट किया, आपको ग्रैंडफादर बोल रहे थे तू नाच मेरे सामने, मैं तेरे को दूंगा प्रॉपर्टी फिर उसके बाद 25 करोड़ की, ऐसा आपके ग्रैंडफादर ने बोला था कि जाता थे मुझे एक डांस दिखना आपका मस्त, एक बिल्ली डांस दिखना, एक बिल्ली डांस करके दिखा, फिर 25 करोड़ ट्रांसफर करते हो, आपने ऐसा कुछ किया कंसिडरेशन की, नहीं किया, ग्रैंडफादर ने बोला ऐसा कुछ मत करो, तो सीधा दे दूंगा, तो विदाउट कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर कर दी, तो ये स्टिल एग्जिस्ट करता है, करता है। ऐसे घर पे मत बोलना सर ने एग्जांपल दिया था, तो आपके पेरेंट्स आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, बेलमेंट। अब इसके नाम में लिखा है बेलमेंट, अब सुनो,
ये मेरा गोडाउन है, क्या है मेरा गोडाउन, गोडाउन है मेरा पुणे में, ठीक है। अब एक मेरा दोस्त है, क्या है मेरा एक दोस्त है, उसके कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, ये मेरा है, ये जो गोडाउन है वो किसका है, मेरा गोडाउन। अब मेरे पास ये गोडाउन पड़ा हुआ, ऐसे ही खाली पड़ा है। अब इसने बोला, इसका नाम है गणेश, मेरा नाम है अक्षय, गणेश ने बोला हे अक्षय, मैंने बोला बोल गणेश। उसने बोला सुनना तेरा जो गोडाउन है मुझे चाहिए रेंट पे, या मेरे कुछ कुछ पेड़ के लिए मेरे पास दे दे। मैंने बोला एक काम कर, ये कीस वैसे ही पड़ा है, मैंने उसको कीस दे दी। उसने उसकी गुड्स कहाँ पर रख दी, यहाँ पर। अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, मैंने उसको गोडाउन दिया या मैंने उसको मेरी जो प्रॉपर्टी थी मैंने ट्रांसफर कर दी उसके नाम पे, या मैंने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया, मैंने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया यूज करने के लिए। अब जब इसका यूज जिसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद ये मुझे प्रॉपर्टी वापस दे देगा, तो इस केस में विदाउट कंसिडरेशन है। मैंने तो कुछ नहीं है किया कंसिडरेशन, यहाँ पे मेरा कुछ कंसिडरेशन है, कुछ नहीं है। बेलमेट मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है आप टेम्पररी पर्पस के लिए किसी और को देते हैं, उसका पर्पस खत्म होने के बाद वो प्रॉपर्टी वापस मिलती है, उसे क्या कहते हैं बेलमेट, मतलब बेल करके देना। जैसे जैसे लोग आते हैं ना जेल से बाहर बेल किए जाते हैं, वैसे ये बेल होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है बेल की जाती है, वापस मिल जाती है आपको, ये भी विदाउट कंसिडरेशन होता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, चैरिटी। आप गए मंदिर में दगुड़ीशेठ गणपति में गए, अब मुझे एक बात बताओ वहां पे चैरिटी होती है, आप पैसा डालते हो 1000, आपको कोई बोलता है डाल उसमें डाल, बोलता आपको कोई इसे, आप खुद से डालते हो, ये वॉलंटरी सर्विस है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं गया दगुड़ीशेठ गणपति के वहां, मैंने बोला सुनो ट्रस्टी मैं इस भगवान को 1 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक बात सुनना, यहाँ पे उनको कुछ कंसिडरेशन है, मैंने बोला उनको क्या मुझे रोज पेड़ जाके देना उसके, मैंने ऐसा कुछ बोला मैं खुद से देगा वॉलंटरी, तो यहाँ पे उनको कुछ कंसिडरेशन है नहीं है, ये स्टिल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस दिया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टिल एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल कितने टाइप है, हाँ तो आप तो देख के ही बताओगे, वैसे तो मैं भी बता सकता हूँ, फिर बिना देखे तो याद होना चाहिए। 7 है 7 विदाउट कंसिडरेशन है 7। अब कैसे कहोगे आगे की बात, तो ध्यान दो इसके लिए, आप मैंने एक बताया, अब तो पीसी निकल भाई, अब तो पीसी निकल, क्या बोला था मैंने आप, हाँ अब तो पीसी निकालो जी, मतलब सुनो इधर, ए बी पी सी निकालो जी, अब तो पीसी निकालो जी, मतलब ए फॉर एजेंसी, बी फॉर बेलमेंट, P for गजनी क्यों हो जाते हो? अरे वो बचा है, सॉरी आपकी गलती मिल गई, एक कंसर्ट बचे ना उसमें, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, आ गया। अच्छा हुआ मैंने वो रिवाइज किया, नहीं तो भूल जाता था आगे। अब सुने मेरी बात, मैंने ना मेरे पापा से छोड़ दो, मैंने मेरे फ्रेंड से, एक मेरा फ्रेंड है ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है ठीक है, मैंने उससे 50,000 लिए थे, कितने लिए थे, किसने लिए थे, मैंने लिया था 50,000। अब वो मेरे पास आता है, जिस दिन वो मेरे पास आ रहा पैसा मांगने के लिए उस दिन मैं भिखा गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे कुछ। अब वो डेप्ट बन जाती है, जब आप अनेबल टू पे होता है, अनेबल टू पे मतलब आप जब पे करने की कैपेसिटी नहीं होती, आप क्या बन जाते हो, डेप्ट बन जाते हो। तो ध्यान रखना इस केस में मेरे पास आता है 50,000, मैं बोलता नहीं आया मेरे पास, मैंने पास्ट में उसके पैसे लिए होते, पास्ट मैं उसको क्या बोलता, सुन मेरे भाई मैं 40,000 दे सकता हूँ, कहीं से ना कहीं अरेंज कर, कितना दे सकता हूँ। अब ये जो 40,000 देना चाहता हूँ मैं उसको, इसके लिए उसने कुछ कंसिडरेशन किया क्या, नहीं किया, मैंने भी कुछ कंसिडरेशन नहीं किया, तो ये स्टिल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को 1 जुलाई को 40,000 रुपीज दूंगा, तो ये क्या है, ये टाइम बार डेप्ट होता है, मतलब जिसका डेप्ट का जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप बोलते हो कि ठीक है मैं 50 या 40 तो दूंगा, तो ये भी एग्रीमेंट स्टिल एग्जिस्ट करता है, ये चीज ध्यान में रखना, उसे कहते हैं टाइम बार डेप्ट कहते हैं, जिसका टाइम खत्म हो चुका है डेप्ट का, ऐसा उसे कहते हैं, ठीक है। आपने हाँ प्रॉमिस टू पे
टाइम फॉर डेट, सी फॉर चैरिटी एंड सी फॉर कंप्लीटेड गिफ्ट, एन फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जी फॉर वो जो आपने बोला ना कंप्लीटेड गिफ्ट, वो जी गिफ्ट है सिर्फ, और ये दो सी आते हैं उसमें स्टार्टिंग में, क्या तो दो सी है, एक कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटियर सर्विस एंड सी अगेन क्या है, चैरिटी। चैरिटी ध्यान दो इधर, सबसे पहले आएगा चैरिटी, फिर उसके बाद आएगा कंपेंसेशन टू पास्ट वॉलंटियर सर्विसेस, ये दोनों याद रखना, और ये जो जी है वो गिफ्ट का जी है। अब तो पिस्सी निकालो जी, मतलब ए फॉर ए फॉर एजेंसी, बी फॉर पी फॉर सी फॉर सी फॉर टू टाइम बाल डेप्ट, एन फॉर नेचुरल एंड अफेक्शन, एंड जी फॉर गिफ्ट होगा तो भी चलेगा, कंप्लीटेड गिफ्ट याद करना सर। अब पीसी, अब तो पीसी निकालो जी, ये याद करना, अगर मैंने पूछा कि व्हाट आर द सिचुएशन, कैसे कौन सा सिचुएशन है जिसमें आप विदाउट कंसीडरेशन इट इज अ स्टिल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका आना चाहिए अब तो पीसी निकालो जी, अब पीसी निकालो जी, ए बी लिखो, ए बी लिखा है ना, ए बी पी डबल सी एन स्पेस जी, बिना पैसे का पीसी निकालो जी, अब तो पीसी निकालो जी, पैसा नहीं है हमारे पास, कंसीडरेशन ही नहीं है, ठीक है, याद आया, ए फॉर बी फॉर पी फॉर सी फॉर सी फॉर एन फॉर जी फॉर, अब तो पीसी निकालो जी विदाउट कंसीडरेशन। अपने कंसेप्ट पढ़ी थी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेक्शन है एक एक, इसको सेक्शन कैसे रखना पड़ा, दोनों को ऐसे एक एक बराबर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट मेंटर करने के, कैसे होने चाहिए दोनों एक एक बराबर होने चाहिए, तो सेक्शन क्या आएगा एक एक, मतलब 11 सेक्शन है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी सेक्शन क्या आएगा 11। चलो अब कंपेटेंट मतलब सबसे पहले अपन ने बोला था एज कितना होना चाहिए उसका, 18 अब होना चाहिए, 17.5 का चलेगा क्या, 18.5 चलो नहीं चलेगा, चलो और सबसे पहले क्या बोला, हु इज अ कंपेटेंट, अब कंपेटेंट मतलब एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच इज ही सब्जेक्ट, सिंपल सी बात है 18 ईयर्स उसका होना चाहिए, वो वहां पर लिखा ना एज ऑफ मेजोरिटी वहां पर लिखो 18 ईयर्स, आप लोग 18 ईयर्स हो, कुछ कुछ लोग नहीं होंगे, 12th वाले भी नहीं हो सकते ना, 12-17 कैसे 12वीं में आप लोग हो ना, तो आपके 18 कैसे कंप्लीट हो जाएगा, अरे 12वीं का 12 5 साल के बचपन के 12-17 तो कहां 18 हो गए, सर थोड़े हो गए थोड़े नहीं, अच्छा 18 चालू है क्या, अभी होगा हो जाओगे, ऑल द बेस्ट, चलो चलो सर, हाँ ये मेजोरिटी कौन सा एक्ट है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ये रिलेट करता है, इसमें कोई आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बढ़िया रखना, चलो हाँ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करेगा, माइनर मतलब जो 18 से कम है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करता है तो वो एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, वॉइड ए बी एब इनिशियो, अब यहाँ पे जो ए ना ये यहाँ पे जो ए ना ये बी इधर बाहर निकलो, मतलब ये ऐसा होना चाहिए एब, और ये वॉइड वो गलती से बी इधर गया आई ने उसकी जगह ली, ऐसा होना चाहिए आई एन आई टी आई ओ वॉइड एब इनिशियो, अभी देखो ना वहाँ पे वॉइड लिखा है उसके बाद ए उसे डैश आया, तो डैश नहीं ए के बाद बी है इमीजिएट ए बी फिर डैश फिर वो आई एन आई टी आई ओ ऐसा आना चाहिए, वो गलती से स्पेलिंग इधर का उधर जंबल हो गया, अब देखो
माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता तो वर्ल्ड एब इनिशियो, वर्ल्ड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, इनिशियो इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से। अगर मैं आपकी एज फॉर एग्जांपल 17 है, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अपना बिजनेस चालू हुआ है, ये बिजनेस भले एक साल चलेगा बट आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना उसी दिन से यह कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड है, क्योंकि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा वर्ल्ड एब इनिशियो मतलब इनिशियल स्टार्टिंग से ही वर्ल्ड है, क्योंकि आपने कंडीशन ही पड़ी है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए 18 कंप्लीट चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। अगर आप वही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वाइल्ड हो जाएगा। ये चीज याद रखना, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है क्या? नहीं होता है ना। अब सुनो, नहीं होता, नहीं छूटा, सुनो, आज डेट क्या है? घर जाने के बाद आपने कैलेंडर, सबके पास कैलेंडर है घर पे, अभी देखते जाओ, गलती से टाइम मिला थोड़ा किधर तो देखते जाओ, गलती से टाइम मिला तो देखने का बाकी नहीं। अब आज ये 25th, अब मेरा बर्थडे आता है 1st जुलाई को, कब आएगा? अब 1st जुलाई को मैं कौन सा ईयर होने वाला हूँ? 18 का होने वाला हूँ 1st जुलाई, अभी मैं 17 हूँ। अब मैंने 25th को एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में, कब किया? 25th में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, किसके साथ? एक फ्रेंड है बाहर, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस दिन तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं 1st जुलाई को रेटिफाइड कर सकता हूँ क्या, मतलब मॉडिफाइड करके वापस उसको वैलिड बना सकता हूँ क्या? नहीं। क्योंकि मैं 18 कंप्लीट हो चुका हूँ ना। नहीं। मेरे स्माइल को मत जाओ, आंसर आपका गलत भी हो सकता है। मेरे को एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से क्या होता है? तो फिर मैं 18 का हो जाऊंगा ना 1st जुलाई को, तब मैं उसको एनफोर्स कर पाऊंगा ना, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या थी कि आप एज कितना होना चाहिए? 18 या 18 अबव, तो मैं 1st जुलाई को 18 होगा ना, अब दिक्कत क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकते। हां, तो ये दिमाग में डाल दो, कहीं भी आपको एग्जाम में ऐसी केस आएगी कि यार वो 10 दिन के बाद 18 बनने वाला है, बट ध्यान रखना पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया भले ही वो 18 का बने ना बने, वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वैलिड हो ही नहीं सकता। उसको मैं खुद बोलूँ ना, अगर मैं 18 ईयर्स को मैं अगर खुद बोलता हूँ कि मुझे रेटिफाइड करना है, मुझे चेंजेस करना है, इसको सही बनाना है, नहीं कर सकते आप। ध्यान रखना, एग्जाम में केस लॉ आती है, मतलब आती चीज के ऊपर कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था, फिर मैं एज 18 ईयर्स में कंप्लीट हुआ, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता क्या? नहीं कर सकता भाई। तूने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था उसी दिन तेरा 18 चाहिए था, बस यही कंडीशन है हमारी। तू जिस दिन 18 बनेगा उसी पर ना कॉन्ट्रैक्ट देगा, कौन नहीं बोलेगा? चलो, इसकी एक केस लॉ थी, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो रेफरेंस के लिए, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये सेम केस लॉ थी कि इसने पैसा लिया था किसी के पास से 20,000 रुपीज, फिर उसने पैसा नहीं दिया, फिर इसने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया कि मेरे को मेरा पैसा चाहिए वापस। तो कोर्ट ने बोला, अरे दोस्त वो तो 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल टू सू दैट पर्सन बिकॉज माइनर कैन नॉट एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपके पास आया, बोला सुनना यार, सुनो मेरे दोस्तों, मैं 18 ईयर्स कंप्लीट हूँ, मुझे 20,000 रुपये दो, सब लोग अपने बिलीव कर दिया यार, बेचारा यार कितना बेचारा दिख रहा है, 20,000 दे दी। और जिस दिन मेरे पास आए आपने बोला पैसे दो, मैं बोला नहीं दूंगा, जाओ कोर्ट में। आप गए कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लेके कि हमको हमारे पैसे चाहिए, कोर्ट ने बोला बच्चों जब तक उसका एज 18 नहीं होता तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं कर सकते, भले वो 18 का भी हो जाए, बट आपने जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो उस दिन वाइड ही था, और एक बार वाइड हुआ कॉन्ट्रैक्ट वापस वैलिड नहीं बनता। तो याद रखना, भले उसने आकर, मैं आपके पास आया, अब इसमें बताओ आपका ओपिनियन क्या, मैं आपके पास आया, मैंने आपको झूठ बोला कि मेरी एज 20 ईयर्स, आप मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर लिया, आपसे पैसा ले लिया और पैसा ही नहीं दिया, तो आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? हे, गलती मेरी है ना, मैंने झूठ बोला आपको, तो आप कोर्ट में जा सकते हो क्या कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने झूठ बोला, इसने फ्रॉड किया? जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। एग्जाम बोला आप, ऐसा कौन सा आंसर होता है जा सकते सर, जा सकते, मैं कौन सा आंसर समझू इसमें से, या नहीं जा सकते? जा सकते, जा सकते, नहीं जा सकते,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा तभी तो आप एनफोर्स करोगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट ही स्टार्टिंग से वॉइड है, भले ही उसने झूठ कहा होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने के लिए सबसे पहले वो वैलिड होना जरूरी होता है, भले उसने झूठ कहा, प्रॉमिस किया या आपको बोला मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं टीनियर कंप्यूटर हूँ, मुझे पैसा दे दो, आपने एकदम इमोशनली होके दे दिया पैसा, ये ले मेरे दोस्त, बट नहीं होगा। आपको 18 चाहिए, मतलब चाहिए, शादी भी नहीं हो सकती आजकल, पैसा तो क्या है। चलो ये वही केस है, एग्जाम में अगर आपको आंसर राइटिंग में आता है कुछ बच्चों को, तो ये मोहिदास मोही बीबी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, याद रखना ये केस, सेम केस है। चलो देखो, नो नोटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा एज 18 तो हो चुका है, अब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था पास्ट में मुझे उसे चेंज करना है, मैं उसको एनफोर्स करना चाहता हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब इसके लिए कुछ रेगुलेशंस। सबसे पहला, फर्स्ट, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इधर ध्यान दो मेरे दोस्तों, पढ़ते, माइनर इज नॉट कंपेल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट द माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम। अपन ने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैं 17 इयर्स का हूं, ठीक है, मैंने बाल कटवा लिए थे, बाल इस थोड़े थोड़े थे, कितने ईयर का हूं मैं, 17 इयर्स। मेरे ग्रैंडफादर ने, कौन, मेरे ग्रैंडफादर ने, उन्होंने क्या बोला कि यार अब मैं तो कुछ दिनों के बाद जाने वाला, वैसे तो मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, तो मैं एक ट्रस्टी अपॉइंट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक ट्रस्टी, पप्पू ट्रस्टी अपन ने पढ़ा था, मैं एक पप्पू ट्रस्टी अपॉइंट करता हूँ। अब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब बेनिफिशियरी कौन है, मैं हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो इस केस में ऐसा कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो नहीं कर सकते, बट इन केस ये पार्टी अगर डिफॉल्ट करती है तो आप इनको एनफोर्स कर सकते हैं कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बट कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप सामने वाले पार्टी को एनफोर्स कर सकते हैं, आपकी अगर कुछ बेनिफिशियल है उसमें, कुछ इंटरेस्ट है, वो देने के लिए आप एनफोर्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का अगर सिंपल मीनिंग देखा जाए तो माइनर कभी भी लायबल नहीं होता किसी और की है, बट माइनर सामने वाले को एनफोर्स कर सकता है कि मेरा पैसा तुम्हारे पास था वो दे दो। समझा, सिंपल भाषा में, कुछ डाउट पक्का। चलो क्या बोल गया, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट वॉइड एंड कैन बी सूड अपॉन बाय हिम बिकॉज ही थ्रू इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मेड एक्सेप्ट अ बेनिफिट। मतलब उसका एक बेनिफिट होता है माइनर का, कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता बट वो इन्फोर्स कर सकता है एज अ बेनिफिशियरी होगा तो। चलो, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर ही मे विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो यार, इसमें तीन पार्टनर्स है, ठीक है, ये मैं हूं ए, ये मेरी बी वाइफ, ये मेरी सी वाइफ, दोनों वाइफ हुए क्या, अच्छा एग्जाम्पल, कितने लोग है टोटल, तीन लोग है, ये तीन पार्टनर हम, हमारी एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। हमने क्या किया, हमारे जो प्रॉफिट का है ना, प्रॉफिट का 100% होता है प्रॉफिट, जो भी 100% होगा उसका 25% हम क्या देंगे, एक बच्चे को हमने अडॉप्ट किया है उसको हम 25% देंगे, एक बच्चा है सा, सीधा साधा भूला सा, उसको कितने देंगे हम, 25% देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनर है बट ये कितने साल का है, 17 इयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैलिड है क्या, हम तीनों ने डिसाइड कर लिया कि 25% इसको देना है, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, पक्का, अरे गलत है, अब तो कैसे होगा, मैंने क्या बोला, बेनिफिशियरी एग्जम्पशन है ना,
मैंने कहा बेनिफिट मुझे होने वाला है। अब इन्होंने अगर मुझे 25% नहीं दिया तो मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ ना इस कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट ने ये बोला है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं हो सकता, बट अगर एज अ बेनिफिशियरी होता है तो वो इन्फोर्स कर सकता है। बट इस केस में ऐसा होगा, सुना इधर मेरी बात, अगर इन्होंने कहा कि 25% प्रॉफिट देंगे बट अगर लॉस हुआ तो तुझे 20,000 देना पड़ेगा हमें, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला माइनर की कभी लायबिलिटी नहीं आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पार्टनर तभी बनेगा जब इसको सिर्फ उसको क्या होना चाहिए, बेनिफिट ही होना चाहिए। अगर उसके साथ उसको लायबिलिटी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो पार्टनर माइनर कैन बिकम अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट ओनली। वापस लिख लो साइड में, माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर कैन बी अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट ओनली, फॉर द बेनिफिट ओनली, अंडरलाइन करना। ठीक है, ये दिमाग में चीज डाल दो कि माइनर के लिए कभी लायबिलिटी नहीं आ सकती, कभी नहीं। अगर 25 अगर वो 25,000 देंगे और बोलेंगे कि 5,000 आपकी लायबिलिटी नहीं चलेगा, लायबिलिटी जीरो चाहिए माइनर्स को, लायबिलिटी कुछ भी नहीं चाहिए। चलो, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी, ये मैंने बोला आपको। अगर फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है वो माइनर है और आप उस कोर्ट में जाते बोलते हो कि ये माइनर, इसने गलती से बोला, इसने झूठ बोला, कोर्ट क्या बोलेगा? अरे वो तो बच्चा है, उसको समझ नहीं आता, भले वो झूठ बोलेगा कि हमें तुमसे प्यार है, हमें दो दो पैसा, आप 50,000 दे दो पैसा, आप दे दोगे? आपने दे दिया, कोर्ट में गए तो कोर्ट आपको ही बोलेगा आप गधे हो, आपको तो समझता है ना, आप तो 18 ईयर्स सभा हुए, वो तो बच्चा, वो कल कुछ भी कहेगा, तो आपकी गलती है। तो प्लेड ऑफ माइनॉरिटी देन धन होना, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड अ माइनॉरिटी, उसे माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है, उसको वो एक्सेप्शन ही मिलता है उस केस में। एंड रूल ऑफ इस्टॉपल कैनॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, इट मीन्स ही कैन बी अलाउड टू प्लेस माइनॉरिटी इन डिफेंस। अब इस्टॉपल का अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, तो वो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था एग्रीमेंट, क्या अगर आप ऑफर करते हैं, बस हम लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया तो आप डिनाय नहीं कर सकते। तो इस केस में माइनर ने अगर एग्रीमेंट में बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे फॉर एग्जाम्पल में गया शॉप में, मैंने बोला कि मुझे एक फोन दो आईफोन, मैं आपको पैसे दूंगा, मैंने प्रॉमिस दे दिया, इस्टॉपल उसने एक्सेप्ट कर दिया, इस्टॉपल हो गया कि वंस यू एक्सेप्ट कैन नॉट डिनाय लेटर। अब उस केस में वो मुंबल बोला मेरे पास आता है पैसे मांगने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि इस्टॉपल इस केस में आया ना, मैंने उसको बोल दिया कि मैं दूंगा पक्का तुमको प्रॉमिस, तो मैं माइनर हूं तो मेरे पास पैसे मांगेगा, अगर मैंने नहीं दिया तो कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, नहीं पक्का इस्टॉपल मतलब क्या पता, तो यहाँ पे इस्टॉपल नहीं आएगा, इस्टॉपल रूल इज नॉट अप्लाइड टू माइनर, क्योंकि वो बच्चा है कल कुछ भी कहेगा, उसके अगर थोड़ी वर्ड अपन रियल हो जाएंगे इमीडिएटली अगेज, वैसा नहीं होता। तो इस्टॉपल केस किसमें अप्लाई नहीं होता, माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता, बाकी केस में अप्लाई होगा। चलो ये अंडरलाइन को रूल ऑफ इस्टॉपल, यहाँ पे हो गया वो एग्जांपल। चलो यहाँ पे क्या देखो, देखो ए कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, हाउएवर इफ ही हैज नॉट स्पेंड द सेम ही मे बी आस्क्ड टू रिपे इट, बट द माइनर शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी अमाउंट व्हिच ही हैज ऑलरेडी स्पेंड इवन दो ही रिसीव्ड द सेम बाय फॉल्ट। अब सुने मेरे पास, मैं गया एक शॉप में, यहाँ पे एक शॉप है मोबाइल का, उस शॉप से मैंने आईफोन लाया, क्या लाया मैंने आईफोन, अगर मेरे पास आईफोन रहेगा तो सामने वाला पर्सन मुझे पूछ सकता है कि आईफोन दे नहीं, नहीं मैं पूछो नहीं आपको बताओ, मतलब मैं एक बात बताऊ, मैं 17 ईयर्स हूं ठीक है, मैं शॉप वगैरह से फोन लेके आया, ठीक है, मैंने बोला कि मैं पैसे देता हूं तेरे को, प्रॉमिस कर दिया मैंने उसको कि एक मंथ के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब जैसे ये एक मंथ हुआ, मैं पैसा नहीं, मतलब मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो इस केस में वो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा, क्योंकि मेरी एज 17 ईयर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा, पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करेगा। दूसरी चीज, जो मैंने गुड्स लिया ना
वो मुझे पूछ सकता है, आस्क कर सकता है कि मुझे रिटर्न देते हैं। या अगर मैंने उससे कुछ पैसे लिए 50,000 बट मेरे पास सिर्फ 20,000 है, मैंने 30 स्पेंड कर दिए, तो मुझे वो सिर्फ 20,000 ही पूछ सकता है जो मेरे पास है कैपेसिटी में। वो मुझे ये नहीं कह सकता कि 30,000 तू कहीं से ले किया, क्योंकि मैं मेरे पास लायबिलिटी नहीं आ सकता। ये चीज याद रखना, आपके पास लायबिलिटी उतनी रहेगी जितनी आपकी कैपेसिटी होगी। मैंने आपसे 50,000 रुपये किया है, मैंने वो एक मंथ के बाद दूंगा, अगर मैं उसमें से 30,000 स्पेंड कर देता हूँ तो वो सामने वाले मुझे सिर्फ 20,000 के बारे में पूछेगा कि मेरा 20,000 मुझे दे दी, क्योंकि मेरे पास है तो मैं उतना दूंगा, बट मैं कहीं एक्स्ट्रा नहीं लेके आ सकता, क्योंकि एक्स्ट्रा लेके आया तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी और माइनर को कभी लायबिलिटी नहीं आती। चलो ये हुआ। चलो अब क्या है, लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, नेसेसरीज। अब सुनो, ये संसार की क्या हालत हो गई भगवान। अब देखो ये शॉप एक, अब नेसेसिटी मतलब क्या, आपकी लाइफ की नेसेसिटी क्या है? चैटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, स्टडी। ओहो, स्टडी आपकी नेसेसिटी है? आपकी नेसेसिटी क्या लाइफ की? आपको आपकी लाइफ की नेसेसिटी नहीं पता? आप लोग क्यों जीते हो? मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोला कि क्यों जीते हो, मतलब किस पर्पस के लिए जीते हो? कि आप खाना खाते हो, सब खाते हो, आपकी नेसेसिटी है ना। अपन पढ़ रहे क्यों, सीएससीएस क्यों बनना चाहते, क्योंकि अपन कुछ पैसा कमाए, कुछ खाए, तो अपनी नेसेसिटी क्या है? मराठी में बोलते हैं अन्न पानी निवारा, मतलब खाना पीना सब कुछ आपकी क्या है, नेसेसिटी है ना। वो नेसेसिटी है या आपको फोन, या आपकी नेसेसिटी क्या? नहीं। आपको लग्जरियस कार चाहिए बीएमडब्ल्यू, आपकी नेसेसिटी क्या? तो नेसेसिटी वही होती जो आपको नेसेसरी होती है, एडिशनल नहीं। तो आप सुनो, एजुकेशन क्या है, नेसेसिटी है? पान के नीचे एजुकेशन नेसेसरी नहीं है? पबजी नेसेसरी है? हाँ, ऐसे बोला ना, पबजी नेसेसरी, तो कल से अपन पबजी सीखेंगे। आप एजुकेशन नेसेसरी है बाबा, उसके बिना कैसे पढ़ोगे आप? अब देखो, मैंने स्कूल में बोला, मेरे स्कूल ने बोला कि कल से अपन ऑनलाइन पढ़ने वाले, तो तुम क्या करोगे, फोन ले जाओ, आपको घर बैठे लेक्चर दिख जाएगा। मैं गया शॉप में, मैं 17 ईयर्स हुआ, मैं गया शॉप में, मैंने बोला कि मुझे एक मोबाइल दिखो, मुझे पढ़ना है अच्छे से। तूने मुझे 15,000 का फोन दिया, कितना दिया, बट ये मेरे बिहाफ पे मेरे गार्डियन ने पे किया। मेरे किसने पे किया, गार्डियन मतलब जो आपको मैनेज करते, जो आपको करते, उन्होंने 15,000 पे किया। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है 30,000 की, कितनी, अब वो जो गार्डियन है दो लोग यहाँ पे, वो मेरे प्रॉपर्टी से कितना पैसा ले सकते हैं? पूरा 30 लेंगे, 50 नहीं लेंगे, सिर्फ कितना लेंगे पैसा, 50 नहीं लेंगे, कुछ लोग की बता रहे हो तो 50 लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आपको जितना नेसेसिटी है ना, आप उसके प्रॉपर्टी से ले सकते हो। माइनर नेसेसिटी मतलब कोई अगर थर्ड पार्टी आपको मैनेज करता है आपके बिहाफ पे, जो आपकी नेसेसिटी एक्सपेंसेस बियर करता है, उसका राइट होता है कि आपके प्रॉपर्टी से वो जो भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो आपके प्रॉपर्टी से वो एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकता है, बट कितने, जितनी आपकी नेसेसिटी हो। अब वो पेरेंट्स गए, उन्होंने बोला एक काम करो, इसके साथ मेरे को एक एक्स्ट्रा पबजी खेलने वाला फोन दो 15,000 का। तो ये दोनों लोग आपके इसमें से कितना पैसा कट रहेंगे, सिर्फ ये 15,000 ही कम करेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी नेसेसिटी जितनी उतना ही आपका पैसा कट होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पे, अब देखो ये दोनों गए फोन बोले कि एक काम करो सर, 35,000 का फोन है बेसिक, कितने का है, 35,000 का फोन। अब ये तो फोन लेके आए ये गार्डियन, और आपके पास गए, आपके पास पैसा कितना है, 30,000। तो वो आपको कितना मांग सकते हैं पैसा, 30,000। उन्होंने आपके गार्डियन ने 35,000 स्पेंड किया आपकी नेसेसिटी पे, तो आपको कितना मांग सकते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा मांगेंगे ना ऊपर, क्यों नहीं मांग सकते 5,000, नेसेसिटी के लिए ना, 5,000 नहीं मांग सकते क्या? हाँ, आप विषय कर रहे हो। अब
जो 5000 एक्स्ट्रा वो क्या बन जाएगा, इसके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, बट माइनर की कभी लायबिलिटी नहीं हो सकती। वो कितना मांग सकते, सिर्फ 30,000 ही मांग सकते। ये चीज दिमाग में डाल लो। चलो किधर गया, लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। चलो अ क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू माइनर इज एनफोर्सिबल बाय लॉ, but a minor is not liable for any price that may promise or never for more than the value of necessity. मैंने बोला ना, value of more than necessity नहीं हो सकता। There is no personal liability of the minor, but only his property. उसकी जितनी property होगी उतनी liability होगी, उसकी personal liability कुछ भी नहीं रहेगी उस केस में। Exam में case law आती है। To render minor estates liable for necessities, two conditions must be satisfied. कौन सी है? The contract must be for the goods reasonably necessary for his support in the situation in life. जो necessity उसकी consider करना। मैं तो कल guardian बोलेंगे मैंने उसको iPhone दिया था, मैंने उसको bike दी थी, मैंने ये इसको दिया था, नहीं consider किया जाएगा। Basic necessity consider की जाती है। Minor must not have already a sufficient supply of income। ऐसा नहीं कि पहले उसके पास एक phone है, आपने उसको एक iPhone दे दिया, ऐसा नहीं। उसके पास already वो चीज नहीं होनी चाहिए। Necessary means those things that are essential needed by minor. They cannot include luxurious and costly necessary article. इसमें नहीं होगा, basic necessity होना चाहिए। चलो next क्या है, यहाँ क्या बोला है, the whole question turns upon the minor status in life. Utility rather than ornament is the criteria. Utility rather than ornament is the criteria. Ornament मतलब goods, utility. अब मुझे एक बात बताओ, utility से अच्छा ornament से define करेंगे कि आपकी necessity क्या। For example, अगर मैं आपको Samsung देता हूँ और iPhone देता हूँ, iPhone और Samsung दोनों ornament है। अब मुझे एक बात बताओ, Samsung से आपके education हो सकता है, iPhone से भी education हो सकता है, but यहाँ पे अगर आप Samsung लेते हो तो आपकी cost कम हो जाती है, तो आपका जो ऑर्नामेंट है उससे डिसाइड किया जाता है, ना कि यूटिलिटी से। यूटिलिटी तो दोनों में सेम है, दोनों में एजुकेशन ले सकते हैं, बट ऑर्नामेंट से डिफाइन करेगा कि आपका कॉस्ट कब से कम है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन। कॉन्ट्रैक्ट गार्डियन आपके भी आप पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दो तो अब क्या होगा, देखो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। वेयर द गार्डियन मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द माइनर which is within the his competence and which for the benefit of the minor, there will be a valid contract which the minor can enforce, but all contracts made by guardian on behalf of minor are not valid. Guardian मैंने बोला कुछ contract में enter करते हैं beneficiary के लिए, अगर minor के लिए तो valid होता है, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल जाके guardian बोलते कि इसकी future में जो भी property होगी वो हमारे नाम पे हो जाएगी जब ये majority बन जाएगा, ये हो सकता है, ध्यान रखना उसने क्या बोला है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट, देखो द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के लिए बाइंडिंग नहीं हो सकता, ये चीज दिमाग में डाल भाई, भले उसके गार्डियन हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनके लिए कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है नेक्स्ट क्या है, अब क्या लिखा है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपको पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, सुनो इधर पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है वो सुनो। अब आपको पता है मार्केट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें अपना इमोशनल अटैचमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पापा ने ये प्रॉपर्टी ली थी, उनके बहुत दिल से अटैच है। अब ये प्रॉपर्टी मार्केट में तो कहीं नहीं मिल सकती। अब मैंने जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो एनफोर्स ही नहीं करना चाहते, मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी रेंट मतलब सेल की थी किसी और को, ठीक है मैंने सेल की थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, बट 5 साल के बाद ये इंसान मुझे वापस सेल करना चाहता है। मैंने बोल दिया ठीक है मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, हमारा जो भी कंसिडरेशन हमने एक्सेप्ट कर दिया, मैं 50 लाख में देना चाहता हूँ, सब कुछ होगा, बट वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, बोला मुझे नहीं परफॉर्म करना ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो, उसके लिए एक एक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, उसमें ऐसे एक्ट आते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसका मनी में कंसिडरेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू अटैच है मेरे दिल से, क्योंकि इसकी वैल्यू में नहीं कंसिडर कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि फॉर एग्जांपल मेरे ग्रैंडफादर जब जिंदा थे, मैंने एक फोटोग्राफर को बोला कि बोला एक फोटो निकाल इनका अच्छा सा या वीडियो को काट कर,
उन्होंने एक बढ़िया वीडियो को पढ़ के मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। अब जो रिकॉर्ड किया वीडियो है वो मेरे को दिल से अटैच है ना, मेरे को मैं कहीं और से नहीं ले सकता, वो वीडियो सिर्फ उनके पास ही मिल सकता है। उसमें मेरे पैसे से मैं कंसिडर नहीं कर सकता कि उसकी वैल्यू कितनी है। नो एडवोकेट मनी रेमेडी मिल गए कि कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकते काम को आप 50,000 तो मैटर नहीं है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को वो गुड्स चाहिए क्योंकि वो मेरे दिल से अटैच है, उसमें मनी कंसिडर नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू कंसिडर। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट आता है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है उस केस में, आपको एक्सेप्शन नहीं दे सकते कि ये होगा वो होगा। तो ये वैसा केस है। तो ये क्या बोलते हैं कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो माइनर केस में आप नहीं जा सकते उस केस में कि अब मेरे माइनर में क्या किया, मेरी जो प्रॉपर्टी थी मेरे पेरेंट्स ही वो काफी दिल से अटैच है तो मुझे प्रॉपर्टी वापस चाहिए, जो गुड्स दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। नहीं, माइनर के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। धन्यवाद। नो इंसॉल्वेंसी, माइनर तो कोई भी कभी भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि आप भिखारी हो। इंसॉल्वेंसी मतलब अनेबल टू पे। विजय माल्या क्या है? विजय माल्या क्या है? इंसॉल्वेंट है, अनेबल टू पे डेट। तो आप माइनर मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? अनेबल टू पे। जो भिखारी हो तो उनको इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो माइनर को कभी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कैपेबल नहीं है पैसे कमाने के लिए, तो आप उसको डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? पार्टनरशिप। अ माइनर बीइंग अ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, बट अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ। मैंने बोला सिर्फ बेनिफिट ले सकता, उसके साथ लायबिलिटी नहीं आ सकती। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? हा, क्यों नहीं बन सकता? पार्टनरशिप में तो पार्टनर बन सकता है बेनिफिट के लिए, तो एजेंसी में एजेंट क्यों नहीं बन सकता? एजेंट बन सकता है सिर्फ किसी पर्पस के लिए, बेनिफिट पर्पस के लिए, लायबिलिटी पर्पस के लिए नहीं। ध्यान रखना, जहां पे भी बेनिफिट आएगा वहां पे तो माइनर आ जाएगा, जहां पे लायबिलिटी आएगी वहां से माइनर चला जाएगा। सीधा दिमाग में डाल दो। यहाँ पे बोला है नॉट लायबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट, अ माइनर कैन ड्रॉ डिलीवर एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। वो सब कुछ कर सकता है बट वो लायबल नहीं हो सकता। लायबल तो कौन हो सकेगा? फिर प्रिंसिपल लायबल होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन। क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस इंप्लाइड इन्फेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग ऑफ हिज पेरेंट and guardian even for necessities, the parent will be held liable only when the child is acting an agent for the parents. Agent का काम करना मतलब उनके बिहाफ पे काम करना। agent का मतलब क्या होता है? जो principal काम करता है वही agent करता है। अगर मम्मी पापा बोलेंगे जा उस shop में से 30,000 लेके आ या mobile लेके आ, मैं उनको बोलना कि मैंने बोला था। अगर उस केस में अगर minor जाके mobile लेके आता अगर पैसे नहीं देता है तो parents liable है क्योंकि माइनर ने एक्ट किया था एज एजेंट, बट किसके लिए एक्ट किया था? पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के इंटेंशन और माइनर के इंटेंशन सेम है? तो जो पेरेंट्स को चाहिए था फोन वो माइनर लेके आया, तो माइनर अगर वो डिफॉल्ट करता तो अल्टीमेटली कौन डिफॉल्ट होगा? प्रिंसिपल, जो उनके पेरेंट्स है। ऑब्वियसली उन दोनों का इंटेंशन तो सेम है ना। जब एजेंट काम करता है एज एजेंट, और उसके पहले क्या लिखा है देखो, In the absence of authority express implied in fund is not capable of binding his parent. मैं 17 साल का हूँ, मैं गया इधर किधर मोबाइल शॉप में, बोला भाई एक काम, 1,00,000 का मुझे आईफोन दे। मेरे पापा ने बोला था कि लेके आ मैं पैसे दूंगा, मैंने झूठ बोला। अब मैं अगर 1,00,000 का मोबाइल लेके आता हूँ अगर पैसा नहीं देता हूँ तो मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो क्या? एजेंट नहीं हो मैं, बट एजेंट नहीं हूँ मैं। ऐसे ही बाहर निकला था, जा रस्ते से जा रहा था, मोबाइल की शॉप देखी, बोला पहचान वाले थे, उनको बोला मेरे पापा ने बोला खुशी खुशी होकर जा तू 1,00,000 का आईफोन लेके आ तेरे खुद के लिए। मैंने 1,00,000 का आईफोन ले लिया, उसके लिए मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो गए। हो गए क्या? हाँ या ना, दो ही आंसर, एक चॉइस कर लो। नहीं, हाँ हाँ नहीं, क्या है? नहीं हो गए। ऐसे तो कितने बच्चे बाहर निकलेंगे और कितने घूमे गएंगे, तो पेरेंट्स सब जेल में रहेंगे तो बच्चे बाहर घूमेंगे। फिर हर कोई बच्चा निकलेगा बोलेगा मुझे 1,00,000 तो मेरे पापा ने बोला, मेरे मम्मी ने बोला, मेरे भाई ने बोला दे मुझे पैसा। तो हर चीज में थोड़ी पेरेंट्स को उठा के जाएंगे। नहीं, जब वो एजेंट काम करेगा एज ए एजेंट तभी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पेरेंट्स,
बट विदाउट एजेंट पेरेंट्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द माइनर. वही वहां पे लिखा देखो ना, अविचा माइनर इनटू इनटू द कॉन्ट्रा ऑफ बाइंग स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन दैट हर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूटी. द डीलर सेंड अ लेटर टू हर पेरेंट्स फॉर मनी. द पेरेंट्स विल बी नॉट लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर बाय माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ. पेरेंट्स को ही पता नहीं कि मैंने बोला था या उसने फोन लिया. अगर पेरेंट्स को ही पता नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स ही नहीं हो सकता, वो क्लेम ही नहीं कर सकते. आप गए स्कूटी लेने, बोले मेरे पापा ने बोला मुझे स्कूटी देने के लिए, उसने दे दिया स्कूटी, और पापा को पता नहीं कि पगी लड़की गई स्कूटी लेके भाग के, तो उस केस में पापा थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होगी. समझा क्या? बट अगर एज अ एजेंट काम करता है तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? होंगे. एजेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है सेम ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल का होता है, तो प्रिंसिपल एजेंट क्यों अपॉइंट करता है? उसका काम करने के लिए. अगर इसमें जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मेरा दोस्त 18 इयर्स का है, मेरा दोस्त है वो 18 इयर्स कंप्लीट हो, मैं 17 इयर्स कंप्लीट हूं, ठीक है, हम दोनों जाके कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन के साथ, वो एक काम कर, हम तेरे को है ना गुड्स सर्विस देते जाएंगे, मतलब तेरा डिलीवरी हम करते जाएंगे, जो भी डिलीवरी सर्विसेस हम देंगे प्रोवाइड तेरे को, तो हमको 1,00,000 रुपए दे. अगर ये हमको 1,00,000 रुपए देता है, अगर हम डिफॉल्ट करते तो सामने वाला पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकता है, हम दोनों के ऊपर केस कर सकते हैं, हम दोनों पार्टनर, एक मेजर है उसका 18 इयर्स कंप्लीट है, मैं 17 इयर्स, मैंने सामने वाले पार्टी को बोला हम तुमको डिलीवरी सर्विस देंगे, आपके जितने भी गुड्स हम डिलीवर करेंगे पूरे पुणे, आप मुझे 1,00,000 रुपए, हमने उनसे 1,00,000 रुपए दिया, हमने डिफॉल्ट किया, हमने प्रॉमिस नहीं किया, वो हमारे दोनों के ऊपर केस दाखिल कर सकता है क्या? किसके ऊपर? और मेरे जैसा बुरा बुरा सारा बुरा इंसान जिसके 18 इयर्स कंप्लीट नहीं है, 17 इयर्स का मासूम बच्चा, तो मेरे ऊपर केस आएगी? नहीं. चलो पूछा हो गया. चलो नेक्स्ट क्या है? श्योरिटी फॉर माइनर. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर माइनर. अब मुझे एक बात बताओ, सुने यहाँ पे, मेरा दोस्त 18 इयर्स कंप्लीट है, ठीक है, मैं 17 इयर्स कंप्लीट हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, बैंक बोलते हैं बैंक मुझे 1,00,000 रुपए दे दे, बैंक बोलते हैं बच्चा ले ले, बैंक ने मुझे कितना दिया? 1,00,000. और मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया, मतलब ये बोलता है, ये जो मेरा फ्रेंड एक्स है ये बोलता है, अगर इस बच्चे ने पैसा नहीं दिया तो मैं आपको पैसा दूंगा, ऐसा बैंक को ये बोलता है एक्स. अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ, पैसा नहीं देता हूँ, तो बैंक मेरे पास आएगी या उसके पास चली जाएगी? तो माइनर के लिए श्योरिटी आप दे सकते, बट रिस्पॉन्सिबल वही होगा जो इसका 18 इयर्स एज कंप्लीट होगा. चलो, माइनर एज ए शेयर होल्डर. शेयर होल्डर, शेयर होल्डर पता क्या होता है? शेयर्स पता है क्या होते? सबको पता नहीं होंगे तो बेसिक पता, ठीक है, सबको पता है ना शेयर्स? नहीं पता. शेयर्स क्या होता है? अब देखो, ये मेरी कंपनी एबीसी लिमिटेड, मेरे को अभी मैंने कंपनी स्टार्ट करी, अब मुझे पैसा तो चाहिए मैनेज करने के, तो मैं एक पीस ऑफ पेपर इशू करता हूँ, इस पर लिखता हूँ एबीसी लिमिटेड एक शेयर, मतलब ये पेज का 10 रुपए, कितना है? 10 रुपए मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे 10 रुपए, तो आपने मेरे बिजनेस में शेयर किया, मतलब आपका पैसा मेरे बिजनेस में शेयर किया, आप होल्ड करते हो आपके पास ये, तो इसे शेयर होल्डर कहते हैं, क्योंकि आपने मेरे बिजनेस में क्या किया? शेयर होल्ड किया, तो आपको शेयर होल्डर करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर जो मुझे पैसे देते हैं, 10 रुपए, 1,00,000, 2,00,000, तो जितने भी मेरे पास आते हैं पैसे, मैं उनको ये पीस ऑफ पेपर देता हूँ, ये होल्ड करते हैं उनके पास, क्योंकि मेरे बिजनेस में शेयर करते उनका पैसा, तो उन्हें अपन क्या करेंगे? शेयर होल्डर करेंगे, तो ये शेयर होल्डर होते. अब इसमें शेयर होल्डर माइनर बन सकता है कि नहीं बन सकता? देखो, अब माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. If by mistake, गलती से हो गया, he becomes a member, the company can resign the transaction and remove his name from the register. Resign मतलब cancel कर सकते. But a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid share to him. मतलब अगर इसके guardian के पास अगर shares आ जाते मेरे behalf पे तो चलेगा, but shares कैसे चाहिए? Fully paid. अगर उस 10 रुपए का शेयर है, सिर्फ सामने वाले ने 5 रुपए पे किए और मेरे नाम पे ट्रांसफर किया, तो चलेगा क्या? नहीं. क्योंकि 5 रुपए का किया तो 5 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा, और लायबिलिटी जब आती तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. तो जब 10 रुपए का शेयर होगा तभी तो मेरे पास शेयर आएगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगी आपको, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, फुल्ली पेड होना चाहिए या पार्टली पेड? तो डेफिनेटली जब माइनर के पास शेयर आएगा तो कैसा होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए.
आपका दोस्त 17 इयर्स का, उसने किसी के मर्डर कर दिया या किसी को डराया धमकाया, माइनर है बट चलेगा क्या? कोर्ट उसको सजा दे सकता है? तो ऐसे कितने मर्डर करके घूमेगा पूरे पुणे में? माइनर के लिए भी सजा होती है हर चीज में, उसको नहीं माइनर चलेगा। तो अगर तो फिर आजकल जो जितने भी गुंडे होते हो, फिर माइनर के गुंडे बनते ना, सब माइनर के रिकॉर्ड पे आते। फिर चलो मैं गुंडा यहाँ का 17 ईयर्स का, मैं कितने मर्डर करूँ कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं चलते फिरते ऐसे मर्डर करूँ, डांडी जैसी गलती वैसे मर्डर करते जाऊँगा, वैसा नहीं चलता है। A tort is a civil wrong. Minor is liable in tort unless a tort is reality is a breach of contract. मतलब tort in reality is a breach of contract. मतलब अगर contract का breach होता है जिसमें आप civil wrong करते हो, मतलब मैंने murder ही कर दिया सामने वाले का, contract था मैं उसके बाद, मतलब मैं contract का breach भी कर दिया और उसका murder भी कर दिया, murder क्या है? Civil wrong है, sorry criminal wrong है, मैंने उसको डराया धमकाया, वो क्या है? Civil wrong है। तो इस केस में आपको क्या कर सकते हैं? सजा मिल सकती है, सिविल रॉन्ग कभी भी कंसिडर नहीं किया जा सकता। दस वेयर माइनर बॉर्ड हॉर्स, एक माइनर था उसने गधा नहीं क्या घोड़ा खरीदा और अपने फ्रेंड को दे दिया और फ्रेंड ने उसको मार दिया उस घोड़े को, तो इस केस में रिस्पॉन्सिबल है होगा, जहां पे सिविल रॉन्ग है वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। चलो नेक्स्ट क्या है? हुआ क्या? चलो रिवाइज करते एक बार, ये कल पढ़ते हैं, साउंड माइंड या अनसाउंड माइंड या दूसरा कुछ। सबसे पहले एक चीज मुझे बताओ आप लोग, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और वाइल्ड? मैं कहां से जाऊं जान देने के लिए, यहां से जाऊं या वहां से जाऊं? Contract without consideration is valid, but certain exceptions are there. पहले तो valid ही होता है, but exception बाद में। पहले definition ये कहता है कि contract without consideration is void under section 25 तो आने चाहिए, 25 ऊपर मैंने बोला, but certain exception ऐसा statement हो। पहले ही आप बोलते हो कि वैलिड है, फिर एक्सेप्शन था कि उसकी, फिर तो एक्सेप्शन वाइड की क्या, तुम लोग समझो थोड़ा। और कौन से एक्सेप्शन है? आप तो पीसी निकालो जी, ए फॉर एजेंसी, बी फॉर पी फॉर सी फॉर सी फॉर एन फॉर जो लव, जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में वही आपको भूल जाते हैं, अरे नेचुरल लव, जी फॉर याद रखना आप लोग। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, बट जहाँ पे बेनिफिट होगा, जहाँ पे बेनिशियल होगा, जहाँ पे उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा हो सकता है, बट अगर बेनिफिट के साथ लाइबिलिटी आती है तो उसको नहीं चलेगा, उसकी बेनिफिट चाहिए। शेयर अगर आते हैं तो चलेगा, बट शेयर कैसे होने चाहिए? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। समझा? कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस?